जिले में एक प्राचीन हनुमान मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति में आंखों से आंसू बहने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बजरंग बली की मूर्ति से आंसू बहते दिखाई दे रहे हैं। वहीं मंदिर में स्थापित मूर्ति की आंखों से निकल रहे आंसुओं की चर्चा जैसे ही क्षेत्र में फैली तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। मंदिर की पुजारी व ग्रामीणों की माने तो 3 दिन से यहां मूर्ति से आंसू निकल रहे हैं और मंदिर में या तो कोई स्त्री ने प्रतिमा को छू लिया है या फिर किसी से कोई बड़ी गलती हो गई है, जिसको लेकर भगवान बजरंग बली की मूर्ति में आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इन लोगों ने यह भी बताया कि इसके पहले भी लगभग 30 साल पहले एक बार इसी तरह बजरंग बली की मूर्ति में आंखों से आंसू निकले थे। वहीं उसके पहले भी एक बार मूर्ति से आंसू निकले थे। फिलहाल वायरल हो रहा वीडियो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग तरह तरह की जहां बातें भी कर रहे हैं तो वहीं राम नाम का भी मंदिर में लोग जप कर रहे हैं कि अगर कोई विपदा है तो वह टल जाए। लोगों का यह भी कहना है कि जैसे ही उन्होंने राम नाम का यहां पर जप करना शुरू किया तो भगवान बजरंग बली की प्रतिमा में आंखों से आंसू निकलने बंद हो जाते हैं और अगर राम नाम का जप बंद कर दिया जाता है तो फिर से आंसू निकलने लगते हैं। तो मैं पुजारी की पूजा करने आए, अब पूजा करने के बाद आंसू बहने लगे तो उसने सब लोगों को बताया। अब बताने के बाद बहुत लोग आ गए, अब जब बहुत लोग आ गए तो बहन आंसू निकल रहे थे और एक आंख से पहले बुजुर्ग और हमारे क्षेत्र के सयाने बता रहे हैं कि क्रोध की कोई गलती हो गई हो, किसी से कोई स्वावर्षुदक या कोई महिला घुस गई हो, इसके कारण दोबारा है हुआ है। बहुत मतलब 30 साल पहले हुआ है, 30 साल पहले एक बार जब बजरंग बली आए हैं। ये मूर्ति राजाओं के जमाने में हुई थी बहुत दिन पहले और ये कोई राजा लेके आ रहे थे तो यहाँ बैलगाड़ी रख दिया, फिर बैलगाड़ी उठी नहीं, यहीं स्थापित हो गई। परसों पूजा करने आए तब जानकारी प्राप्त हुई, कल भी पूजा करने आए तो हमारा लड़का आया तो लड़के ने देखा, फिर मैंने फोन दिया, फिर फोटो खींच ले गया। इसके बाद मैं आया, मैं देखा, फिर अपने ग्रुप में डाला फोटो सबको। अब ये हुआ कि सुबह से शाम तक किसी जगह पानी बहता था, पसीना हो या पानी हो या मतलब आँख से निकल रहे आंसू, तो भगवान ही करेगा, हम कैसे बता दें भगवान को क्या कष्ट है कि हमको क्या कष्ट है। कोई अनहोनी होने वाली है तो उसको काट रहे हैं, उनके ऊपर है।